नमस्कार मित्रों, सादावाल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा अष्टमी विषय विज्ञान अध्याय चार धातु और धातु। तो इस पाठ के प्रथम पार्ट में हमने धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। यानी धातु वह पदार्थ है जिनमें रंग, कठोरता, आघात वर्धनता, चमक आदि गुण पाए जाते हैं उन्हें धातु कहते हैं, और जो ये गुण नहीं पाए जाते हैं उन्हें अधातु कहते हैं। तो धातु और अधातुओं में अंतर क्या था? धातु और अधातु में अंतर की सारणी सर्वप्रथम क्रमांक संख्या गुणधर्म धातु और अधातु संख्या एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ कहलाता है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था का मतलब है धातु हमेशा ठोस अवस्था में, धातु हमेशा ठोस अवस्था में होती है। इसमें एक अपवाद होता है Hg यानी पारा, यह द्रवित अवस्था में होते हुए भी धातु होती है और ये ठोस द्रव्य गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। दूसरा आता है रंग। धातु हमेशा धूसर या ग्रे रंग की पाई जाती है। यह धातु भिन्न भिन्न रंगों में। तीसरा गुणधर्म आता है चमक। धातु हमेशा चमकदार और अधातु हमेशा चमक रही होती है। चौथा गुणधर्म होता है कठोरता। धातु हमेशा कठोर रूप में पाई जाती है और अधातु नरम रूप में पाई जाती है। पांचवा बिंदु होता है ध्वनिकता। ठोस हमेशा ध्वनि उत्पन्न करते हैं और यह धातु ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं।
होता है, जैसे एपी का 1593 डिग्री सेल्सियस है और एलातू में निम्न गलनांक पाया जाता है। गलनांक धातुओं का गलनांक उच्च और धातुओं का निम्न। उष्मीय चालकता धातुएं हमेशा उष्मा की सुचालक होती है और यह धातु हमेशा उष्मा की कुचालक होती है। विद्युत चालकता धातु हमेशा विद्युत की सुचालक होती है, जैसे एपी तथा तांबी सर्वोत्तम चालक और ए धातु हमेशा कुचालक होते हैं, विद्युत का चालन नहीं करते हैं। आघात वर्धनीयता धातु में आघात वर्धनीयता पाई जाती है, अर्थात धातुओं को पीट करके हथौड़े की चोट मार करके बड़े जा सकता है, यह धातु में नहीं पाई जाती। अगला होता है तन्यता धातु में पाई जाती है, अर्थात पतले चादर के रूप में परिवर्तित करते हैं और यह धातु में नहीं पाई जाती है। और अंतिम होता है कमजोरता टुकड़े दांतों में नहीं पाई जाती और इसमें पाई जाती है। तो दांतों और दांतों के अंतर के आधार पर मुख्य रूप से हम 12 भागों में बांटते हैं। उसमें पहला भाग आता है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था का मतलब धातुएं हमेशा ठोस रूप में रहती है और यह धातु हमेशा तीनों अवस्था में रहती है, ठोस द्रव गैस। दूसरा आता है रंग, धातुएं हमेशा ग्रे या दूसरे रंग की होती है, यह धातु हमेशा भिन्न भिन्न रंगों की होती है। तीसरा आता है चमक, धातुएं चमकशील या चमकदार होती है और यह धातुएं चमक रही होती है। चौथा बिंदु आता है कठोरता, धातुएं कठोर होती है, यह धातुएं नरम। ध्वनिकता धातुएं हमेशा ध्वनि उत्पन्न करते हैं और यह धातु ध्वनि उत्पन्न नहीं करते। घनत्व धातुओं का घनत्व उच्च होता है, जैसे एपी का 1593 डिग्री सेल्सियस है और यह धातुओं का निम्न होता है। गलनांक धातुओं का गलनांक उच्च और निम्न। उष्मीय चालकता और विद्युत चालकता ये दोनों गुण धातुओं में सुचालक होते हैं और उसमें भी चांदी है वो सर्वोत्तम चालक होती है और यह धातु में ये दोनों गुण कुचालक के रूप में पाए जाते हैं। आघात वर्धनीयता धातुओं में पाई जाती है और यह धातु में नहीं पाई जाती। तन्यता धातुओं में पाई जाती है, यह धातु में नहीं पाई जाती।
और भंगुरता धातु में पाई जाती है और ये धातु में नहीं पाई जाती है। इसी प्रकार कठोरता में इसमें पाया जाता है सोडियम और पोटेशियम। उसी प्रकार घनत्व में भी पाया जाता है सोडियम और पोटेशियम। तो इस प्रकार ये अपवाद होते ध्यान में रखना और धातु वाले धातु के गुण धर्मों को एक ढंग से याद रखना। धातुओं के प्रमुख भौतिक गुणधर्मों के नाम लिखिए। धातुओं में धातुओं के अंतर की सारी बनाइए। धातुओं के प्रमुख अपवादों को लिखिए। ये पसंद करेगा लेने लेना नोट्स को सारणी के रूप में व्यवस्थित करना समझना और आज का कार्य कॉपी में व्यवस्थित करना। धन्यवाद।